बचपन में बायोलॉजी क्लास में स्पाइन तो देखी ही होगी आप सबने, देखी थी ना, लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, उसे हमेशा के लिए यंग क्यों और कैसे रखना है शायद किसी ने सिखाया होता। एक्चुअली सिखाया तो था टीचर ने, लेकिन हमने उसे सिलेबस समझ लिया। एम आई राइट? लिख कर बताइए कॉमेंट बॉक्स में। टीचर ने बताया था कि स्पाइन के बिना हमारी बॉडी एक पल के लिए भी खड़ी नहीं हो सकती। दशकों से वैज्ञानिक रोबोट्स को इंसानों की तरह भगाने और चलाने में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी तरक्की होने के बावजूद भी एक भी ऐसा रोबोट नहीं बन पाया जो दौड़ने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में मनुष्य की बराबरी कर सके। नेचर की इस क्रिएशन को एक साइंटिस्ट की नजर से देखें तो हैरान परेशान होना स्वाभाविक है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम चलते हैं तो शरीर का सारा वजन कौन संभालता है? किसके सहारे हम उठते बैठते और चलते फिरते हैं? अब आप कहेंगे हमारे पांव। अच्छा एक बात बताइए फिर, कौन नाचते समय, अगर हमारे पांव ही उन्हें कंट्रोल करते हैं तो नाचते समय हमारे पांव तो थिरकते रहते हैं, फिर सारे शरीर को संतुलित कौन रखता है? लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में। स्पाइन ही है जो हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में, दौड़ने में मदद करती है। देखिए कुछ ऐसी दिखती है हमारी स्पाइन, कुदरत का अनोखा तोहफा। स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड किया जा सकता है, पीछे किया जा सकता है, लेटरल बेंडिंग की जा सकती है, ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है, किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। अब क्वेश्चन है इसे यंग बनाने के लिए क्या करें। उसके लिए हमें अपने मैट पर आना होगा। वहां बैठकर मैं आपको एक सिंपल टेक्निक समझाने वाली हूं जिससे आप अपनी स्पाइन को यंग रख सकते हैं। करें? स्पाइन के लिए जैसे कि मैंने कहा अपने मैट पर बैठ गए, मैं आज आपको बहुत ही सिंपल बात बताने वाली हूँ। बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइजेस नहीं है, हर कोई इसे कर सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी दो तीन वेरिएशंस बताऊंगी। कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पर इतना तो आप कर ही सकते हैं अपनी स्पाइन के लिए। क्या? इस तरह से बैठ गए क्रॉस लेग्स और अपने हाथों को इस तरह से ऊपर ले गए, हाथों को जॉइन कर दिया, और कोशिश करना है अगर ऐसे हैं हाथ, धीरे 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 सीधे जाने शुरू हो जाएं। अब जब आप ऐसा करते हो तो बॉडी आगे भी हो सकती है, पीछे ले जानी है, पेट को अंदर खींच के रखना है। थोड़ी देर बैठ के देखो क्या बैठ सकते हो, अगर नहीं तो इसका मतलब हमारी स्पाइन को ट्रीटमेंट की बहुत जबरदस्त जरूरत है और जल्दी करना है। अगर ऐसे खींचने में दिक्कत आए तो एक मुद्रा बनाए, इस तरह से हाथ लिए, इंटरलॉक कर दिया, फिंगर निकाली राइट, इंडेक्स फिंगर ऊपर, और फिर अपने हाथों को ऊपर ले गए। ऐसे आपको खींचने में मदद होगी अपने आप को ऊपर की तरफ। अब देखिए मैंने अपनी स्पाइन को सीधा कर दिया। और ज्यादातर हम ऐसे बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में हो या अपने लैपटॉप पर हो, या बच्चे जब पढ़ते भी हैं तो भी डिफॉर्मिटी होती है उन्हें पोस्चरल। तो आपने क्या किया, मुद्रा बनाई इस तरह से और अपने हाथों को ले गए ऊपर, खींचा। अब एक तो ये तरीका है, दूसरा अगर क्रॉस लेग्स बैठने में दिक्कत है तो वज्रासन में बैठे, ऐसे बैठ गए वज्रासन में, आपको केवल अपने स्पाइन को ऊपर खींचना है। आपके स्पाइन की क्या पावर है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आप खुद देखेंगे जब आप इनको करेंगे परफॉर्म। हाथ ले गए ऊपर, पहले मुद्रा बनाई, इंडेक्स फिंगर बाहर, हाथ पूरे जुड़े हुए, अगर ऐसे हाथ है शुरू में तो धीरे धीरे आप कोशिश करें ऊपर ले जाएं, खींचे, पेट को अंदर खींचा और सीधे बैठ गए। ऐसा करने से आपको अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचने में मदद मिल रही है। अगर लोअर बैक पेन रहती है वो भी ठीक हो जाएगी इससे। सर्वाइकल रीजन में अगर किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी है, दैट विल ऑल्सो बी क्योर्ड। अगला तरीका, अगर आपसे जमीन पर बैठने में दिक्कत है इस तरह से या क्रॉस लेग, तो आप कोई स्टूल ले लें छोटा, मैंने ब्लॉक्स रखे हैं अपने पास, मैं उनको रख लूंगी, और दीवार की सहारा ले लें, क्योंकि अगर आपसे वैसे नहीं बैठा जा रहा तो इट्स ओके। पर्पस है इसको करना, मैंने इस तरह से पीछे रखे, आप स्टूल रख लीजिए, कोई बॉक्स रख लीजिए, उसके ऊपर अपने हिप्स को टिका दीजिए। इस तरह से बैठ गए, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी बैक को पीछे लगाया, आगे की तरफ नहीं झुकना, बैक पीछे स्ट्रेट हो गई और हाथ खींचे ऊपर की ओर, करके देखिए एक मिनट में आपको स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी। लाइक दिस, हाथ ऊपर की तरफ खींचे और थोड़ी देर रुके,
अगर बॉडी आगे जा रही है तो इसका मतलब हमारी बैक अभी ठीक पोजिशन में नहीं है, खींचा पीछे बैठ गए। अगर आपके किसी भी फ्रेंड नियर डियर वन को ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बैक से रिलेटेड है, और अक्सर बच्चों में, बूढ़ों में, सब में बैक पेन, लोअर बैक पेन की कंप्लेंट तो सुनी ही गई है, और इस एरिया में स्पेशली क्योंकि हम मोबाइल चलाते हैं, हम लैपटॉप चलाते हैं, हम ऑफिस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, किचन में खड़े खड़े महिलाओं को बहुत ज्यादा शोल्डर्स में पेन, बैक, अपर बैक और लोअर बैक होता रहता है दर्द, तो आप इस तरह से कीजिए। कितनी देर? एक एक मिनट, दो दो मिनट, इतना टाइम तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं, आई एम श्योर। तीसरा तरीका, ये आप समझ गए ना, बैक लगाई पीछे और फिर हाथ ऊपर। अगर आप अच्छी बॉडी है और ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज सहारे मत लीजिए अननेसेसरली। तो क्या करें, ये मैंने ब्लॉक हटा दिए, कुछ इस तरह से बैठ गए, ओके। मलासन कहते हैं हम इसे, इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, पेट ठीक रहेगा आपका हमेशा अगर ऐसे बैठते हैं। महिलाओं में कभी भी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या नहीं होगी अगर आप इस तरह से दिन में एक एक मिनट सुबह और एक मिनट शाम को बैठते हो। तो अब बैठ गए, अब क्या कर रहे हैं, देखिए बॉडी आगे आ गई, पीछे खींचा, ऊपर आ गई, अब अपने हाथों को ऊपर। दिस इज द मोस्ट टेक्निकल वन, बट आई एम श्योर अगर आपकी बॉडी ठीक है तो आप इसे जरूर कीजिए, ऊपर की तरफ खींचिए, रुकिए, होल्ड करें, फील करें अपनी स्पाइन को, इमेजिन करें आप जहां पेन है आपको, अपर बैक में है कि लोअर बैक में है। जैसे मैंने स्पाइन आपको दिखाई कैसी दिखती है, तो उस एरिया को इमेजिन करें और आंखें बंद करके उस एरिया में ब्रीद करें, उसे ठीक करने की कोशिश करें, रिलैक्स। सिर्फ इतना काम करना है एंड सी द डिफरेंस इन योर बॉडी। आप हमेशा यंग रहेंगे अगर आपकी स्पाइन यंग रहेगी। Your spine does not need much care. It demands only one thing, and that is correct posture. इस सिंपल टेक्निक से आप स्पाइन की नीड को पूरा कर सकते हैं और फिर स्पाइन आपकी सारी नीड्स को पूरा करती रहेगी रेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।